और देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस नाम की ये महामारी जो है वो फैली हुई है। और बीते कई क्लासेस के अंदर भी हमने इस बात के ऊपर विचार विमर्श किया है कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो कोरोना वायरस के बारे में क्या बताती हैं। और बीते समय हमने इस बात को देखा था कि प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के अंदर इस बात का एक संकेत, इनडायरेक्ट और या डायरेक्ट हम कुछ भी कह सकते हैं, एक संकेत प्रदान किया गया है कि अंत के दिनों में जो जानवर होंगे, वन पशु होंगे, उनके द्वारा बीमारियां जो हैं, मरियां हैं, महामारियां जो है वो इस संसार के अंदर फैलेंगी। और हमने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट से इस बात को देखा था कि वन पशुओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल प्रकाशित वाक्य में किया गया है वो शब्द है थेरियन, जिसका मतलब होता है खतरनाक तथा जहरीले जानवर। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है जिसको वायरस कहा जाता है, यदि आप इसका मीनिंग देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, तो वायरस का मतलब होता है जहर। और आज पूरी दुनिया के अंदर जानवरों के जो वायरस फैल रहे हैं, जानवरों का जो जहर फैल रहा है, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में जहरीले तथा खतरनाक जानवरों के द्वारा बीमारियां जो है वो दुनिया के अंदर फैलेंगी। और आज वैसा का वैसा जहर, जानवरों का जहर जो है वायरस के रूप में आज दुनिया के अंदर फैल रहा है। तो इस बात को हमने कई बार बीती स्टडीज के अंदर देखा है कि कोरोना वायरस नाम की महामारी के बारे में बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है या बाइबल क्या संकेत प्रदान करती है, उसको हमने बीती स्टडीज के अंदर देखा है। लेकिन क्योंकि ये कोरोना वायरस नाम की महामारी जो है उसके लिए चाहे कोई कोई पास्टर या कोई प्रचारक उसको महत्व दे या ना दे, क्योंकि कई मैंने कई सारे यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस को देखा जिसमें कई सारे पास्टर हैं, कई सारे प्रचारक हैं, वो इस ग्लोबल इवेंट को कोई भी महत्व जो है वो आज नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी जो है वो एक छोटा सा छोटी सी बीमारी है जो थोड़े समय में खत्म हो जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस नाम की ये महामारी जो है वो कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये ग्लोबल इवेंट है। मानव इतिहास के अंदर ऐसी महामारी संसार के अंदर आई ही नहीं। यदि कोई कहे कि आज से कुछ समय पहले स्पेनिश फ्लू फैला था, उससे पहले भी महामारियां इस संसार में फैली हैं, तो वो एक क्षेत्र तक सीमित रही थी, एक महाद्वीप तक सीमित रही थी। लेकिन ये कोरोना वायरस नाम की महामारी जो है वो लगभग लगभग दुनिया के सारे देशों के अंदर आज फैल चुकी है। तो ये एक ग्लोबल इवेंट है, इसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। यदि कोई छोटी सी भी घटना होती है तो हम उसको बाइबल की भविष्यवाणियों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर तो एक ग्लोबल इवेंट है। यहां पर सिर्फ इसराइल के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ चीन में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर ये इवेंट जो है, ये बीमारी जो है वो आज फैली हुई है। और इसीलिए मैं बीते समय से ही इस बात को लेकर के परेशान था कि बाइबल के अंदर जब छोटी छोटी बातों के विषय में भविष्यवाणी दी गई है तो इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट जो है वो आज हो गया है, लेकिन क्या बाइबल के अंदर कोरोना वायरस को लेकर के कोई बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल डायरेक्ट भविष्यवाणी क्या नहीं दी गई है? और इसीलिए मैं काफी समय से बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर इस बात को ढूंढ रहा था। और मैं आपको बताऊं कि बाइबल के अंदर कोरोना वायरस को लेकर के बिल्कुल डायरेक्ट भविष्यवाणी जो है वो प्रदान की गई है, और एक ऐसी जगह पे प्रदान की गई है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस भविष्यवाणी को समझने से पहले आपको एक दूसरा विषय जो है वो समझना पड़ेगा। देखिए, बाइबल के अंदर चीन जो है उसको सीन कहा गया है, और इसीलिए इस बात की भविष्यवाणी यशाया की पुस्तक के अंदर भी पाई जाती है। यशाया ने भी ये भविष्यवाणी करी थी, और परमेश्वर ने यशाया के द्वारा कहा था कि जब यहूदी लोग अपने देश में वापस लौटेंगे तो वो उत्तर दिशा से आएंगे, वो अलग अलग दिशाओं से आएंगे, और वो सीनियों के देश से भी वापिस से इसराइल को लौटेंगे। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 49th chapter के 12th verse को आपके सामने इस समय मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा कही थी कि यहूदी लोग दूर दूर देशों से वापस से यरूशलेम में इज़राइल के अंदर लौटेंगे, और परमेश्वर ने कहा था, देखो ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे।
परमेश्वर ने यशाया के द्वारा ये भविष्यवाणी कराई थी और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि यहूदी लोग अलग अलग दिशाओं से वापस से अपने देश इज़राइल लौटेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सीनियों के देश से भी इज़राइल लौटेंगे। और ये सीनियों का देश जो है, इसके लिए आप चाहे कोई भी बाइबल कॉमेंट्री को उठा करके पढ़ लें, चाहे कोई भी बाइबल डिक्शनरी को उठा करके आप पढ़ लें, या खास तौर से यदि आप यहूदी ग्रंथों को, रब्बियों के लेखों को पढ़ें, तो उनमें इस बात को बताया हुआ है कि ये सीनियों का देश जिसकी चर्चा यशाया के द्वारा की गई है, ये सीनियों का देश और कोई नहीं, लेकिन यहां पर चीन के विषय में बात की गई है और सीनियों के देश के रूप में चीनियों के देश की बात यहां पर की गई है, चाइनीज लोगों की बात यहां पर की गई है। और 1948 में जब इज़राइल देश बना था, उससे पहले जब यहूदियों का पलायन पूरी दुनिया से वापस इज़राइल की ओर हुआ, तो यहूदी लोग जो थे वो चीन से भी, यानी चीनियों के देश से भी वापस अपने देश इज़राइल लौटे थे, और यशाया की भविष्यवाणी जो थी वो इतिहास के अंदर पूरी हुई थी, शब्द ब शब्द पूरी हुई थी। यानी बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर चीन जो है उसको सीनियों का देश कहा गया है, या सीन उसको कहा गया है। और इसी वजह से मेरे प्रियो, जो सबसे बड़ा जो गड़बड़ हो जाती है वो इस बात को लेकर हो जाती है कि बाइबल के अंदर चीन जो है उसको सीन कहा गया है, और मिस्र के अंदर एक रेगिस्तान है उसको भी सीन कहा गया है। वही सीन का रेगिस्तान, जिस सीन के रेगिस्तान को जब इजरायली मूसा के साथ मिस्र छोड़ करके जा रहे थे, तो उसी सीन के रेगिस्तान को इजरायलियों ने भी पार किया था। और इसी वजह से एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है कि बाइबल उस सीन के रेगिस्तान की बात कर रही है, या बाइबल जो है वो चीन देश के विषय में सीन कहकर के उसको संबोधित करके बात कर रही है। और ये कोरोना वायरस जो आज फैला हुआ है, इसके बारे में यदि हम देखें तो यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 30 अध्याय 15 और 16 वचन में एक ऐसी डायरेक्ट रेफरेंस कह लीजिए, या एक डायरेक्ट भविष्यवाणी कह लीजिए, जो हमको सीधे सीधे चीन के ऊपर पूरा होते हुए आज दिखाई दे रहा है। और यहेजकेल उसका 30 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में इस बात को लिखा हुआ है, परमेश्वर इस बात को कहता है, और सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा, और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा, और मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा, और नो फाड़ा जाएगा, और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। यहेजकेल की यह भविष्यवाणी जो है, इसका इसके ऊपर बीते दिनों मेरा ध्यान गया, और यहां पे सीन के ऊपर परमेश्वर अपनी जलजलाहट जो है वो भड़काएगा, इस बात को यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी के तौर पे बताया हुआ है। और जब मैंने यहूदी ग्रंथों को खंगाला, तो यहूदी ग्रंथ जो है इस बात को बताते हैं कि यहां पर मिस्र के अंदर जो सीन का रेगिस्तान है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर चीन के विषय में, या चीन में अंत के दिनों में क्या होगा उसके बारे में यहां पर भविष्यवाणी दी गई है। क्योंकि यहूदी ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि जिस मिस्र का उल्लेख यहेजकेल उसके 30 अध्याय 15वें वचन के अंदर किया गया है, उस मिस्र का मतलब मिस्र देश से ना होकर के इस संसार से बताया गया है। यहूदी ग्रंथों का कहना है कि ये संसार जो है, यहूदी ग्रंथों के अंदर जो अन्य जाति जगत होता है उसको मिस्र कहकर के संबोधित किया जाता है। यानी कि एक विश्वासी जो है जब बैक स्लाइड होकर के संसार के अंदर वापस चला जाता है, तो यहूदी ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से दूर होकर के मिस्र को लौट गया है। और इसीलिए परमेश्वर ने भी इस बात को मूसा के द्वारा कहा था कि मैं तुमको, अगर तुम मेरे वचनों के अनुसार नहीं चले, तो मैं तुमको वापस मिस्र देश के अंदर पहुंचा दूंगा, इस बात को परमेश्वर ने बोल दिया था। तो यहूदी ग्रंथों के अंदर संसार का सिंबल जो है, संसार का प्रतीक जो है वो मिस्र देश बताया गया है। और यहां पर जब परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा कहता है कि सीन जो कि मिस्र का दृढ़ स्थान है, यानी कि सीन यानी चीन जो है वो दुनिया का दृढ़ स्थान है, इस बात को बताया गया है। और आज के हमारे समय में हम इस बात को ज्यादा बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि चीन जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आज होल्ड किए हुए, पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था को चीन जो है वो चला रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चीन के व्यापार का डंका बजा हुआ है, और चीन इसी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर आज आज अपनी मनमानी जो है वो थोप रहा है।
और इस बात को यहां पर बताया हुआ है कि सीन जो कि मिस्र का दृढ़ स्थान है, यानी कि पूरी दुनिया का एक मजबूत देश जो है चीन जो है, उसके बारे में यहां पे भविष्यवाणी दी गई है। और यहां पे यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर अपनी जलजलाहट जो है वो सीन के ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर जो है, परमेश्वर की जलजलाहट के कारण सीन जो है यानी चीन जो है वो बहुत ही ज्यादा थरथराएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज ये कोरोना वायरस नाम की महामारी जो फैली है वो चीन से ही निकल करके फैली है। और ऐसे ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि आज चीन जो है उसके अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से मारे गए हैं। ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन अनऑफिशियल खबरें भी बता रही हैं कि चीन के अंदर बहुत संख्या के अंदर लोग जो है कोरोना वायरस की वजह से मारे गए हैं, मर चुके हैं। और चीन से ही पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है। अमेरिका से लेकर भारत तक, इजराइल तक, अफ्रीका तक, हर जगह तक ये कोरोना वायरस जो है वो आज फैला हुआ है। और परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही बता दिया था कि मेरी जलजलाहट अंत के दिनों में चीन के ऊपर भड़केगी। मेरी जलजलाहट के कारण सीन जो है यानी चीन जो है वो बहुत ही ज्यादा थरथराएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, आपको ये बात बड़ी रोमांचित कर देगी कि आज इसराइल के अंदर यहूदी रब्बियों की जो काउंसिल है उसके अंदर कई ऐसे रब्बी हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। और यहूदी रब्बियों की काउंसिल के अंदर 2 ऐसे रब्बी जो हैं वो हमेशा हर दशक में या हर 20 साल के अंदर यहूदी रब्बियों की काउंसिल के अंदर 2 ऐसे रब्बी आते हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है कि उनके माता पिता कौन हैं या उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आए हैं। उनका नाम तक यहूदी लोगों को नहीं पता होता है, सिर्फ जो रबैनिकल काउंसिल के कुछ रब्बी होते हैं वही जाकर के सिर्फ उनसे बातचीत करते हैं। और ऐसे ही 2 रब्बी जो हैं वो इस समय इसराइल के अंदर हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि उनके माता पिता कौन हैं या वो कहां से इसराइल के अंदर आए हैं या वो उनका नाम क्या है, वो भी किसी को नहीं पता है। लेकिन यहूदी रब्बियों ने इस बात को बताया है कि उन दोनों रब्बियों ने इस बात की भविष्यवाणी करी बीते दिनों, ये कोरोना वायरस शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले उनने ये भविष्यवाणी करके यहूदियों को बताया था। और इसराइल के जो मुख्य अखबार हैं उनमें भी ये खबरें जो है वो छपी थी कि गुमनाम रब्बी जो हैं जिनका जिनके अस्तित्व के बारे में किसी को भी नहीं पता है, उन्होंने इस बात के बारे में बताया है कि चीन जो है वो जितनी तेजी के साथ ऊपर गया है उतनी ही तेजी के साथ वो वापस से नीचे आएगा, क्योंकि परमेश्वर चीन से हद से ज्यादा आज नाराज हो चुका है। और साफ क्लियर कट बात है, परमेश्वर की जलजलाहट क्यों चीन के ऊपर भड़केगी, क्योंकि आज आप देखिए चीन जो है वो मसीहों का ऊपर इतना अत्याचार चीन में कर रहा है, कलीसियाओं को तोड़ रहा है, कलीसियाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यीशु की दुल्हन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और इसी वजह से परमेश्वर की दृष्टि जो है वो चीन के ऊपर फोकस हो चुकी है और चीन के ऊपर परमेश्वर की जलजलाहट प्रकट हो रही है। और आप देखिए अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है आज चीन के विरोध के अंदर आ चुका है, और अमेरिका ऐसे ऐसे प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाने के योजनाएं जो है वो बना चुका है, वो वैसे ही प्रतिबंध जैसे उसने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। और ईरान जो है वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आर्थिक तौर से आज पहुंच चुका है, वैसे ही प्रतिबंध जो है वो चीन के ऊपर लगाने की पूरी योजना जो है वो अमेरिका ने बना ली है। यानी परमेश्वर ने कहा था मैं अपनी जलजलाहट सीन के ऊपर भड़काऊंगा और मेरी जलजलाहट के कारण सीन जो है यानी चीन जो है वो बहुत ही ज्यादा थरथराएगा। और जो यहूदी रब्बी हैं उन्होंने भी भविष्यवाणी करके बताया है कि जितनी तेजी के साथ चीन ऊपर गया है उतनी ही तेजी के साथ चीन जो है वो वापस नीचे की तरफ आएगा, इस बात को बताया हुआ है। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाकर के ये बात मैं बोल रहा हूं, ये कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आप पढ़े तो वहां पर एक लाल अजगर यानी लाल ड्रैगन के बारे में बताया हुआ है और एक स्त्री जो गर्भवती थी चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। देखिए वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग है, क्योंकि वहां पे जो लाल अजगर है उसके बारे में बताया गया है कि वो शैतान है। और वो स्त्री जो गर्भवती थी उसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि वो इसराइल देश को प्रकट करती है,
और जो अर्ली चर्च फादर्स थे यानी चेलों के चेले जो थे, उनका ऐसा मानना था कि वो स्त्री जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर जिसके बारे में बताया गया है, वो कलीसिया है जो कि विश्वासियों के पहली उपज को जन्म देने वाली है, जिनका रैप्चर जो है, जिनका स्वर्गारोहण जो है वो स्वर्ग में हो जाएगा। यदि हम अर्ली चर्च फादर्स के व्यू को लेते हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के यदि हम बात करते हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यदि हम जाते हैं, एक 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 विचार को रखने के लिए यदि हम जाते हैं, तो वहां पे बताया हुआ है कि एक बड़ा लाल अजगर जो था, एक लाल ड्रैगन जो था, वो जो कलीसिया के सामने, जैसा अर्ली चर्च फादर मानते थे कि वो स्त्री जो थी, गर्भवती जो थी, वो कलीसिया है, यानी कि एक बड़ा लाल ड्रैगन जो है वो कलीसिया के सामने अंत के दिनों में आकर के खड़ा हो जाएगा। और यदि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें तो आज चाइना जो है वहां पर उसका ऑफिशियल निशान जो है वो भी एक लाल ड्रैगन ही है। और जिस प्रकार से वो लाल ड्रैगन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर कलीसिया के सामने उसका विरोध करने को खड़ा हुआ है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार से हम देखते हैं, उसी प्रकार से आज चीन जो है, जो कि एक लाल ड्रैगन का प्रतीक वहां पर उपयोग किया जाता है, चीन जो है वहां पे कलीसिया को भयानक रूप से उसके ऊपर सताव कर रहा है। तो यदि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के हम देखें तो वो सिनेरियो जो है हमको चीन के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में बताया हुआ है वो एक अलग विषय है। वहां पे शतान की और यूनिवर्सल चर्च की बात की गई है, लेकिन हम उसको एक दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर अपनी जलजलाहट चीन के ऊपर प्रकट कर रहा है, क्योंकि चीन जो है वो कलीसिया का के ऊपर भयानक रूप से आज सताव कर रहा है। और ना केवल चीन, लेकिन चीन का चेला जो है नॉर्थ कोरिया, वो भी आज कलीसिया के ऊपर भयानक सताव कर रहा है। तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर एक क्लियर कट भविष्यवाणी दी हुई है, जिसको हम कोरोना वायरस से भी चाहे तो जोड़ सकते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में सीन के ऊपर यानी चीन के ऊपर अपनी जलजलाहट जो है वो भड़काएगा। और आज इसीलिए चीन जो है उसके ऊपर परमेश्वर की जलजलाहट प्रकट होनी शुरू हो चुकी है। आगे हम चीन के विषय में देखें तो इस बात को हम देखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां बताती हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर चीन के साथ और क्या क्या करेगा।